मैं पूछना चाहता हूं हम पे तनखीद करने वालों, क्या तुमने कुछ किया? कोविड के टाइम पे हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पुराने शहर में जगह जगह मुहैया करवा दिए, क्या किसी और ने किया? रेमडेसिविर मिलती नहीं थी तो हर एक के लिए हमने बात करके दवाओं का इंतजाम किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। कोविड में परेशान हाल लोगों के दरवाजों पे दस्तक देकर अनाज को पहुंचाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, क्या भूल गए? याददाश्त इतनी कमजोर है, हिंदुस्तान में वैसा काम नहीं हुआ कोविड में जो हमने काम किया। ये नहीं देखा कि भूखा मुसलमान है या हिंदू हो या सिख है या ईसाई, जिसने भी फोन किया उसके दरवाजे पर 15 दिन एक महीने का अनाज लेकर पहुंचने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लोग चंद थैलियां देकर फोटो खिंचाते, अरे हमने तो लदी हुई लारियां दे दी आवाम को। ये मजलिस है, ये दिल है हमारा। हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी खाम को तबाह बर्बाद होने नहीं देंगे। यही तालीम फखरे मिल्लत ने दी थी, यही तालीम सालार ने दी, और इसी तालीम पर नखीब मिल्लत और हमारा कीन असेंबली इसी पर चल रहे, अपनी जात के लिए नहीं, हम की खुशहाली के लिए। तूफान आया, घर डूब गए, तबाह हो गए, तो क्या हमने काम नहीं किया? हिंदुस्तान में किसी ने काम किया? बाबा नगर में, दूसरे इलाकों में घरों की फ्रिजों को बनाया, वॉशिंग मशीन को बनाया, हमने इलेक्ट्रिकल काम किया, बर्तन दिया, बिस्तर दिया, कपड़े दिए, अनाज दिया, दवाएं दी, पूरे हैदराबाद में मेडिकल कैंप्स के जरिए 2 करोड़ से जायद की अद्वियात को हमने तकसीम किया, क्या किसी ने किया?